नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। किसान है छुट्टा पशु से परेशान। सिद्धार्थ नगर जनपद में खुले गौवंश से परेशान होकर के ग्रामीणों ने विद्यालय में उन्हें कैद कर दिया है। विद्यालय में आए अध्यापक ने इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी। जिले के शोहरतगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय संतोरह में ग्रामीणों ने दर्जनों खुले गौवंश को विद्यालय परिसर में बंद कर गेट में ताला लगा दिया। वहीं विद्यालय के समय पर अध्यापक जो पहुंचे तब विद्यालय गेट पर ताला लगा देख कर की इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दिया। क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी मौके पर पहुंच करके ग्रामीण को समझा बुझा करके गाँव को वहां से निकाल करके गौशाला भेजा। वहीं इस विषय पर बात करने पर ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि कई दिन पहले खुले गाँव को पकड़ने के लिए तहसीलदार शोहरतगढ़ को हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने से अपनी फसल के रख रखाव से परेशान होकर के हम ग्रामीण गाय को सरकारी विद्यालय परिसर में कैद कर दिए, जिससे प्रशासन इन गौवंश को पकड़ करके सही जगह ले जाए और हम लोग अपनी फसल को बचा सके। वहीं इस विषय पर जानकारी के लिए जिलाधिकारी शोहरतगढ़ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस गांव में के रहने वाले हो? विद्यालय में आप लोग गाय को कैद किए हैं, क्या है पूरा मामला? रत्नेश उपाध्याय, संतोरा ग्राम पंचायत। हम लोग आवारा पशुओं के कारण रात में सो नहीं पाते हैं। लगभग हम लोगों के 100 बीघा खेत चर के कुदम खूंटी कर दिए हैं कि जो धान अब पैदा होने वाला ही नहीं है। हम लोगों का आपसे, शासन से, प्रशासन से ब्रह्म निवेदन है कि इस गाय को गौशाला तक पहुंचाया जाए या शासन का जहां व्यवस्था हो, प्रशासन का जहां व्यवस्था हो, इस गाय को वहां इकट्ठा करवाया जाए। जैसे आज आप लोग गाय विद्यालय परिसर में कैद किए हैं जबकि विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या इसकी जानकारी आपने पहले आला अधिकारी को दी थी? जी, आला अधिकारी को दिया गया है, SDM महोदय को दिया गया है, तहसीलदार महोदय को दिया गया है। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय में इसलिए हम लोग बंद किए, बंद करने का कारण भी है और हम लोग गलत भी किए हैं कि जो विद्यालय में बंद किया गया, लेकिन हमारे गांव में और कहीं ऐसा जगह नहीं था कि जिस जगह गाय को इकट्ठा करके व्यवस्था किया जाए। विद्यालय सबसे सुटेबल लगा, इसलिए विद्यालय में हम लोग उसको बंद कर दिया गया। फिर यहाँ के मास्टर महोदय आए, मास्टर महोदय के माध्यम से लेखपाल महोदय आए, लेखपाल महोदय के माध्यम से हो सकता है प्रशासन आ रहा हो, और प्रशासन के माध्यम से जहाँ गाय का उचित व्यवस्था होगा वहाँ व्यवस्था करवाया जाए। हम लोग भी उनके साथ हैं। मैं जो है ग्राम जमनी का निवासी हूँ, पोस्ट मेरा संतोरा पड़ता है, और रात भर हम लोग जाग के इस समय जो है गायों की रखवाली करनी पड़ रही है, और इतनी अव्यवस्था होगी ये बताइए। इतने महंगा खाद ला करके सारी व्यवस्था की जा रही है, रात में पूरी गांव जो है बैठ करके खेतों की रखवाली कर रही है, तो भैया इनकी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की जाए, यही मेरा निवेदन है।